जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है ना ही हीट होती है, ऐसी बॉडीज को हम प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है। तो और ये जो है ये दूसरे बॉडीज की लाइट से जलते हैं, ठीक है। इनमें रोशनी कहाँ से आती है, दूसरे बॉडीज की लाइट से रोशनी आती है। अब ऐसी चीजों को हम प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, जो ग्रीक वर्ड है प्लैनेटाई। ओके, प्लैनेटाई से बना प्लैनेट, ठीक है। और प्लैनेट का मतलब होता है, प्लैनेटाई का मतलब होता है वेंडर्स। वेंडर्स मतलब वो चीजें, वो लोग जो अपने दिल की इच्छाओं को पूरा करने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, अपने दिल की आवाज सुनते हैं, है ना, इधर उधर घूमते रहते हैं, नई चीजें खोजते हैं, ठीक है, नई जगह पर जाना पसंद करते हैं, तो ऐसे लोग वेंडर्स हुए। तो प्लैनेटाई का मतलब हुआ वेंडर्स। तो यानी प्लैनेट्स क्या हुए, जो अपने मतलब एक तरीके से इधर उधर घूमने वाले, तो वहां से बना है वर्ड प्लैनेट। प्लैनेट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम नियरेस्ट स्टार। अब प्लैनेट जिस भी सोलर सिस्टम का होगा, जिस भी सिस्टम का होगा, वो उसके नियरेस्ट स्टार से, यानी उसका जो भी करीबी स्टार होगा, वहां से हीट और लाइट लेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अर्थ एक प्लैनेट है, तो अर्थ अपनी हीट और लाइट कहाँ से लेता है, सन से लेता है, क्योंकि सन उसका नियरेस्ट स्टार है, ठीक है। ओके ओके, तो अब हमें पढ़ना है अबाउट द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है, सन, ठीक है, सन आप जानते ही हैं, सूरज रोज सुबह उठता है, रोज शाम में जो है वो डूब जाता है सन। उसके अलावा उसके 8 प्लैनेट्स जो उसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं, ठीक है, वो 8 प्लैनेट्स। उसके अलावा सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स जो है वो प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, ठीक है। तो सन है, उसके चारों तरफ प्लैनेट्स हैं, और उन प्लैनेट्स के चारों तरफ उनकी सैटेलाइट्स हैं, एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज। और इसके अलावा कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज भी आती है सोलर सिस्टम में, जैसे कि एस्टेरॉइड्स और मीटियोराइट्स, ठीक है। तो ये दो और दूसरी ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम में शामिल हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे इन डिटेल। एंड अब जरा सा बात कर लेते हैं कि इसका नाम सोलर सिस्टम क्यों पड़ा। सो सोल का मतलब क्या होता है, सोल मीन्स इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड, ठीक है। माइथोलॉजी क्या होती है, माइथोलॉजी होती है लोगों की बिलीव्स, ठीक है, लोगों की मान्यताएं, जिसको हम कभी कभी मजहब से जोड़कर देखते हैं, बट ये थोड़ा अलग है। इसमें हम पढ़ते हैं अबाउट के लोगों के क्या बिलीव्स हैं, लोग क्या मानते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सूरज को लेकर, जैसे आप जानते होंगे कि ज़्यादातर धर्मों में, ज़्यादातर मज़हबों में सन की एक इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। इसी तरीके से रोमन माइथोलॉजी में भी सन की एक इम्पॉर्टेंस है, कि वो उसको भगवान मानते हैं, गॉड मानते हैं, और इसीलिए इसका नाम पड़ा द सन गॉड, ठीक है, रोमन माइथोलॉजी में। तो वहां से निकल कर आया सोल, ठीक है। सोल का मतलब क्या है, सन गॉड, ठीक है। और इस सोल से मिला सोलर, सोलर मीन्स रिलेटेड टू सन, ठीक है। तो सोलर का मतलब क्या होता है, वो सभी चीजें जो सन से जुड़ी हुई है वो क्या है, सोलर है, ठीक है। अब सन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। सो सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, हमारे पूरे सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो है सन, ठीक है। उसी के चारों तरफ ये पूरा सेटअप लगा हुआ है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी बॉडी है जो कि एक्सट्रीमली हॉट गैसेस की बनी हुई है, बहुत गर्म गैसेस की बनी हुई है, बहुत ज्यादा हॉट गैसेस की। और जो सन है वो अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि ये मीटर्स में कितना हुआ, तो आप ये जानते हैं कि आपने अभी तक मैथ्स में पढ़ लिया होगा कि 1 मिलियन में, ठीक है, कितने होते हैं डिजिट, 6 डिजिट्स होते हैं। तो मैं यहाँ 6 जीरोस लिख देती हूँ 150 के बाद, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये क्या बन गया, ये बन गया इतने किलोमीटर। बट मुझे आंसर किलोमीटर में नहीं चाहिए, मुझे मीटर में चाहिए, ठीक है, क्योंकि मीटर इजिली मुझे अंदाजा है कि एक मीटर कितना बड़ा होता है, तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूंगी। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं। तो जितना भी ये नंबर है, इसके बाद हम 3 जीरोस और लगा देंगे, 1 2 3, और ये आंसर आ गया आपका मीटर्स में, ठीक है। अब जरा अगर मैं इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाऊं, तो ये हो गया 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा। सो ये नंबर ये हुआ, और 1 2 3 यानी 9 जीरोस के बाद ये क्या बन गया, बिलियन, यानी कि 150 बिलियन मीटर्स दूर है, ठीक है। क्लियर हो गया कि 150 बिलियन मीटर्स हमसे दूर है, क्या दूर है, सन अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। अच्छा, इतना बड़ा सोलर सिस्टम टिका हुआ क्यों है, क्योंकि कोई चीज जो घूम रही है,
ठीक है, तो घूमते घूमते कभी ना कभी आकर के उसको मतलब गिर जाना चाहिए सन के अंदर, या उसे कहीं भाग जाना चाहिए दूर, है ना भाई। घूम कैसे पा रही है वो, कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में है तो वो क्यों है? तो इसका रीजन ये है कि वो जो फोर्स है जो उसको उस मोशन में रखने के लिए जरूरी है, वो हमें मिलती है फ्रॉम द सन इटसेल्फ। सन की सन से हमें वो फोर्स मिलती है जो कि सभी प्लैनेट्स को बांध कर रखती है ताकि वो कहीं जाए ना, ठीक है, और वो उसके चारों तरफ घूमते रहे, ठीक है। तो ये हुआ अबाउट द सन एंड द सोलर सिस्टम। अब अगला हम पढ़ेंगे अबाउट द अर्थ। अब हम पढ़ेंगे अबाउट प्लैनेट्स। अर्थ के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सो देर आर 8 प्लैनेट्स इन द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस। सो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे अर्थ के साथ, अर्थ को मिलाने के बाद 8 प्लैनेट्स हैं इन टोटल जो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं, जो कि सन के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है। सो 8 प्लैनेट को अगर मैं ऑर्डर में रखूं डिस्टेंस के हिसाब से कि सबसे पास कौन है सन के और सबसे दूर कौन है, तो पहले नंबर पे आता है मरकरी, ठीक है। अब यहाँ मैंने एक रफ सा डायग्राम बना दिया जिससे आपको अंदाजा लग सके कि ये कैसे घूम रहे हैं, ठीक है, क्या सिस्टम है। तो ये अगर सन है तो जो पहला नियरेस्ट प्लैनेट है ये वाला, ये है मरकरी, ठीक है। ये अगर सन है तो इससे नियरेस्ट प्लैनेट क्या है, मरकरी, नंबर वन। फिर दूसरा आता है वीनस, ठीक है, तीसरा आता है अर्थ, चौथा मार्स, पांचवा क्या है, जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर अरेनस और फिर नेपच्यून, ठीक है। ये हो गए आपके 8 प्लैनेट्स। अब ये जो आप सोच रहे होंगे कि ये लाइंस क्या बनाई है मैंने, ठीक है, हालांकि एक रफ डायग्राम है लेकिन मैंने लाइंस क्यों बनाई है। सो ये लाइंस कहलाती हैं ऑर्बिट्स। ऑर्बिट क्या होती है, क्या ऑर्बिट वाकई कोई लाइन होती है? ऐसा नहीं है, ऑर्बिट कोई लाइन नहीं है बल्कि ये एक पाथ है, एक रास्ता है, ठीक है। ये एक रास्ता है जिसके थ्रू प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक है, ये एक पाथ है जिसके थ्रू प्लैनेट्स घूमते हैं, पर ये और एक ही फिक्स पाथ है। बट ऐसा नहीं है कि वहां पर एक्चुअल में ये लाइंस मौजूद हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये पाथ है, ये अर्थ जो है ये ऐसे ही घूमती है, इसलिए हमने उसके पाथ को ट्रेस करके, उसके चलने के रास्ते को ट्रेस करके ये लाइंस ड्रॉ कर ली है। अच्छा, ये इसका रास्ता है ऐसे घूमने का, ठीक है, ये ऑर्बिट्स होती है, ठीक है, ओके। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सो मरकरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ देते हैं। मरकरी नियरेस्ट है टू द सन और ये एक राउंड पूरा करने के लिए 88 डेज लेती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा सन है, ठीक है, और ये मरकरी है, ठीक है। अब ये एक राउंड घूमेगी, ये सन के अराउंड एक राउंड घूमेगी, तो ये एक राउंड जहाँ से इसने शुरू किया था, ठीक है, वहाँ तक इसे वापस आने में कितना टाइम लग जाएगा, 88 डेज, ठीक है। यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, ये हमारा सन है और ये मरकरी है, तो मरकरी का ये ऑर्बिट है, सपोज कर लेते हैं हम, ठीक है, रफ डायग्राम के थ्रू ये मरकरी का ऑर्बिट है। अब मान लीजिए मरकरी इस पॉइंट से चलना शुरू करती है, ठीक है, यहाँ आती है फिर फाइनली यहीं आ जाती है। तो इस पूरे चक्कर को घूमने में इसे कितना टाइम लगेगा, 88 डेज लग जाएंगे, किसे, मरकरी को। ये टाइम पीरियड हर प्लैनेट का अलग होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अर्थ की बात करूं कि अर्थ एक चक्कर सन के अराउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है, तो वो लेती है 365 डेज, और इसको बोलते हैं वन रेवोल्यूशन, ठीक है, जहां से आप चले थे वहीं आप वापस आ गए, इसको क्या बोलते हैं, वन रेवोल्यूशन, ठीक है, ओके। अब आगे देखिए वीनस क्या है। सो वीनस अर्थ के ट्विन के नाम से भी जाना जाता है। आपने ट्विन बच्चे देखे हैं, दो जो होते हैं बिल्कुल जुड़वा, एकदम सेम टू सेम, वो दिखने में सेम होते हैं बट उनकी जो आप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप देखें तो वो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। इसी तरीके से अर्थ और वीनस, ये दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, इनका शेप और साइज बहुत ज्यादा सिमिलर है, ठीक है, शेप एंड साइज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। वीनस का जो शेप और साइज है वो अर्थ जैसा ही है, इसीलिए हम इसको अर्थ का ट्विन भी बोल देते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्लूटो की, ठीक है, तो प्लूटो के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, प्लूटो क्या है। प्लूटो जो है वो है आपका एक ड्वार्फ प्लैनेट, पर कुछ समय पहले तक ये पूरा प्लैनेट माना जाता था, ठीक है, यानी कि सन के 9 प्लैनेट्स माने जाते थे जिसमें 9वां प्लैनेट प्लूटो था। बट इन द एस्ट्रोनॉमिकल, इन द मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, दैट इज IAU की एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, और अगस्त 2006 में इसको माना गया कि ये जो है ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है,
August 2006 में in meeting of International Astronomical Unit, it was decided that Pluto may be called a dog planet. Dog planet किसे कहेंगे हम? जैसे मान लीजिए एक है इंसान, पूरा इंसान है, ठीक है? उसकी हाइट कितनी है? इतनी है. उसका फिजीक भी अच्छा खासा है, वो लंबा चौड़ा है, ठीक है? इसको हम कहते हैं एक नॉर्मल इंसान. बट एक डॉग क्या होता है? डॉग वो इंसान होता है जिसकी हाइट और फिजीक छोटी रह जाती है, यानी वो थोड़ा छोटा रह जाता है. मतलब उसके हाथ भी छोटे छोटे से होते हैं, उसकी उंगलियां भी छोटी रह जाती हैं, ठीक है? उसका चेहरा भी छोटा होता है एज कम्पेयर टू अ मैन, ठीक है? मान लीजिए इस आदमी की उम्र 46 ईयर